अल्लाह रहमान रहीम नाजरी थोड़े खुद मुझे हाजिर थोड़ा होस्ट बाबर बेग ए बी एजी टीम की तरफ और नाजरीन अज मैं मौजूद हाँ साड़ी खुशकिस्मती और साढ़े मुल्क का सरमाया ने साढ़े मुल्क का नाम ने पाकिस्तान पाकिस्तान तो बाहर अपने वतने पाकिस्तान की नुमाइंदगी की अपने मुल्क का नाम रोशन किया। साढ़े मौजूद ने जुवेद कौडू साहब और असी साडा तलीम का पढ़न का दौर से एक ड्रामा देखिया ख्वाहिश ख्वाहिश के जरा जी कौडू साहब का करैक्टर से सेल असगर साहब के नाम और चूंकि उदू सानू पता नहीं सी कि असी भी कभी इस शोबे चले जावे और कौडू साहब छोटे व्डे हर बंदे की पसंदीदगी उस सीरियल का नुसरत ठाकर साहब गालबन उसके डायरेक्टर सन और सुपरहिट खेल सी पीटीवी दा पहले राशिदार साहब सन पहले नुसरत ठाकुर साहब सन फिर राशिदार साहब राशिदार एक एपिसोड जड़ा है पहले तो मैं वेखण वाले नु जानण वाले नु अस्सलाम वालेकुम कहांगा और सारे वास्ते पूरी उम्मत वास्ते दुआ करांगा कि अल्लाह पाक साडे सारे दे हाल ते पहले रहम करे ते सानू सारे नु माफ करे ते हुण तुसी पुछो। अच्छा कौडू साहब सलाम मैं कहना सी लेकिन तुसी कह दिता और माशाल्लाह उदे तुसी पहल कर ली अल्लाह पाक तुहानू जज़ाए खैर दे और तुसी मोहब्बतां पा लिया ने माशाल्लाह तुसी जवाद वसीम साहब जैसे लोगों के नाल मतलब अपना जिहड़ा वक्त है वह दीन नू भी दिता है इस्लाम नू भी दिता है। साडे नाज़रीन नू तुसी ये दसो असी इब्तदा तो शुरू होवांगे कि तुसी आगाज़ अपना शोबिज़ दा किस तरह किया किस तरह आंदा इतफाक हो गया कितों सफ़र किया। मैं छोटी उम्र का सन क्योंकि बच्चा तो मैं इस करके नहीं कहूँगा मैं हूँ भी बच्चा ही लगना तो छोटी उम्र का सन मतलब 12 साल का मैं एक मेरे दोस्त सन अरशद साहब वो मैं लेके आए अमानुल्ला साहब अल्लाह जन्ना ने नसीब करे जिन्हें भी चले गए ने जिस शोबे तो जो भी चला गया सब अल्लाह पाक जन्ना ने नसीब करे तो जोड़े है उन्होंने पहले माफ़ करे ते उन्हां दे आने वाला वक्त जिहड़ा ना वो आसानी वाला और रहम वाला करे आमीन आमीन। पहले तो यह मेरी दुआ साहब वास्ते दूसरी गल है कि मैं अमानुल्ला साहब का ड्रामा देखने गया उहदे च सारे ही असारे सन लेकिन जो अमानुल्ला साहब असारे सन ना वो वारी किसी की नसी आ रही तो लिहाजा वो बड़ा ओवर पैक हॉल सी ते मेरा दोस्त कहता यार तू ही छोटा है तू इस पास ट्राई कर तो मैं उदों ते ना गल गौर की फिर थोड़ी देर ठहर के उ बंदा मैं मुनव्वर ज़रीफ़ साहब अल्लाह तआला नसीब अल्लाह उन्हां दी फिल्म वखान चला गया तो सिनेमा हॉल च जिन्ने बंदे बैठे सन ना उन्होंने जिस तरह मुनव्वर ज़रीफ़ साहब की एंट्री हुई है तो यकीन करो हाल च जिन्ने लोग सन सब ने कहा अल्लाह तआला नसीब करे अल्लाह अल्लाह। मेरे दिल च यही चीज आ गई कि यार अल्लाह मेरे को कोई ऐसा काम करा लवे कि मेरे भी जान तो बाद कोई ये कहे कि अल्लाह तआला नसीब करे अल्लाह जन्म नसीब करे मेरे वास्ते कोई हाथ चुक के दुआ करे। हाँ तो शुक्र है हाले तक तो बदमजगी वाला मतलब काम कोई नहीं किया कि किसी को बदवा ले जाए तो अगों भी उम्मीद है हूँ 50 साल च उम्र है तो किन्ना रह गया जिन्ना रह गया अल्लाह पाक पिछला आने वाला जरा मौजूद है सब खैर अला कर दे सब का अल्लाह। तो कौडू साहब फिर कितने सन तो बकायदा आगाज हो गया थोड़ा काम 1981 तो स्टेज ड्रामे तो या टीवी ड्रामे तो फिल्म तो फिल्म तो हाँ जी नासर हुसैन साहब वो डायरेक्टर सन तो उदों सुल्तान राय साहब तो अल्लाह जन्ना नसीब करे नन्ना साहब तो अलीजाद साहब का राइजिंग पोजिशन जा रही थी हले मैं उस दौर से आया फिर मैं अल्लाह जन्ना नसीब करे जुनैद बिस्मिल साहब कहते इधर आ अमानुल्ला साहब फिर इन्ना को प्यार मिले हर पासे कि हट जा पिछे कि हर पासे प्यार ही मिले वो थोड़े जे नरम तबीयत वाले आ जाते सन लोग लेकिन वो अल्लाह तआला नसीब करे अदील बेला साहब तेरा ही सब कहते होंगे सन पुत्री
इन्हों की अकल इन्नी के पक्के बेद ने इन्होंने इन्ना की इन्होंने छेती डिगना तो लिहाजा वड्डे लोग सन वड्डियां गल्लां ते कई बारी ऐसा है कि राय साहब न मैं मतलब मैं रात को ड्रामा किया फिर तेने रिहर्सल भी की शूटिंग भी कीतियाँ डबिंग भी की तो मैं प्यार में कहने हो रहे सन वो एक अल्फाज है मैं नहीं कहना चाहता प्यार में कहने होंगे सन तो अपने आप न कहने तू तो हूँ ही बनता जा रहे तो मेरे लिए बड़ा अच्छा अल्फाज सी कि यार एडे वे लोग इस तरह का प्यार करते हैं तो शुक्र है सारे व्डे छोटे मैं जूनियर का लफ्ज इस करके नहीं इस्तेमाल कराँगा जूनियर लफ्ज नहीं ठीक लगना छोटी उम्र के जड़े ने ना मेरे तो छोटी उम्र के बाद चाहे जाहिर ही कह दे मेरी छोटी उम्र के तो मैं उन्होंने भी कहूँगा कि व्डे पहले तरबीत देख उन्हें जिंदगी देख फिर इस पास आन क्योंकि बेहंगम तरीके ला देंगे ने ना अगे देखते ना पिछे देखते हैं बस जो आता फिर तो मैं एक गल अक्सर कहना हूं वा कि साढ़े आर्टिस्ट हो मौसीकार हो म्यूजिक वाले हो किसी भी शोबे का कोई भी स्पोर्ट्समैन हो पावे या मतलब जोड़े होंगे ने किसी भी शोबे तो कोई भी उन्होंने अगर थोड़ी जी अल्लाह की रहमत हो जाए ना तो वो अल्लाह की रहमत को अपनी चलाकी समझ लग पे ये नहीं होना चाहिए असं उ गल करने उ खाने उ पीने उस तरह सोने उस तरह रहने कोई नव काम नहीं करते राय साहब मैं दोबारा उन्होंने गल इस करके कर रहे वो कहें होंगे सन कि देख मैं सोना भी नहीं तो जवान भी नहीं तो अल्लाह ने मैनू सोहने खूबसूरत च खिलारे है हीरो रंगीला साहब सोहने भी नहीं तो खूबसूरत भी नहीं नन्ना साहब भी फिर अमान अल्ला साहब हूँ पन्नवे नंबर से तू आ गए तो कहते देख साढ़े पन्ना की कोई खूबी है सिर्फ अल्लाह की पहचान है साढ़े चुकर अल्लाह शुकर तो हूँ जो सारा कुछ जानता हो मिसाल के तौर पर मैं पता है एक बंद के बारे च कि फलावी 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 फिर मैं उन्होंने जान के कह कि यार भाई आप कौन तो यदा मतलब मैं ओदी नहीं कर रहा मैं अल्लाह के उस इनाम का इनकार कर रहा जरा अल्लाह ने उन्होंने दिता है तो लिहाजा सानू कोशिश करनी चाहिए जिमें साढ़े हूँ मैं मौजूदा उन्होंने ना नहीं लाऊंगा क्योंकि उन्होंने मैं मना किया कि तू यार नेकियां साड़िया डिस्कस ना करे कर वो मतलब मैं उन्होंने नेकी तो जिन कहना सुभान अल्लाह ठीक है तो अल्लाह जन नसीब करे मतलब वड्डे लोग जिन्हें भी सन हूँ भी है सन भी हूँ भी वो चुप चुपी तो अगले की एडी आला तरीके इज्जत अफजाई भी करते सन नाल बामला भी करते सन तो नाल अगले की इज्जत तो बताते सन ना कि मजरू करते सन मैं एक वाक्य देखा मैं उत्थे बारी स्टूडियो से बैठे सन तो राय साहब कहते यार मैं फलां बंदा नज़र नहीं आ रहा किसी ने कहा कि वो फलां बंदे ना वो कोई बीमारी ऐसी लग गई है वो उधर तो उदो फाइटर बड़े अमीर होंगे सन क्योंकि हर फिल्म जो होंगे सन जी जी बड़ा अच्छा दौर सी हाँ तो राय साहब कहते यार उन्होंने बुलाओ और राय साहब ने उन्होंने बुलाया नाल वो दूसरा ने बुलाया हूँ सुल्तान राय साहब के कहते थे सारे आन गए सारे आन गए तो वो आ गए किन्ने बड़े प्रोड्यूसर भी तो राय साहब ने कहा जी आ गए तू उन्होंने देख के बंदे ने अगले दिन हूँ इज्जत किंज करनी है ये दस रहे ने साढ़े वर्गे जूनियर ने मतलब जो छोटी उम्र के सन उन्होंने ये दस रहे सन कहते ने आ गए तू ए प्रोड्यूस ए भाजी प्रोड्यूसर भाजी ए फलान जो भी कहते सन कहने एनू पांच फिल्मों का एडवांस देवो ना इन्हें मैं चैलेंज किया कि मैं राय तो वड्डा एक्टर है इन मैं दसन लग ये वड्डा कि मैं वहाँ अगले अगों भी पांच फिल्म पक्कियां कराती तो जान लगे आप ही
कि यार दसी ना किसी को कोई एक रुपए की किसी की हेल्प कर देना तो चाहता कि मैं अरबा की पब्लिसिटी मिले तो यू मैं उत भा जिते जिते यदि सोच ना हो लिहाजा इस तरह नहीं होना चाहिए। तो मेरी दूजे अल्फाजा मतलब तमाम हजरात अगे इल्तमास है कि जेडे दुनिया तो चले गए ने उन्होंने बुरे बारे च ना कोई भी बुरा अल्फाज ना कवे पता नहीं साढ़े नाल की होना है। तो लिहाजा जेडे असी एक दूजे के खिलाफ लभ लभ के गल्लां करने हैं ना वो तो इंज सी वो तो इंज सी ना यार उन्होंने अच्छा ही कवो भावें जो एक अदा विचों नमक घट भी सी कोई गल नहीं को जी ठीक सन साढ़ा भी जाता जो होंगे ना जी अल्लाह के प्यारे लोग मुहब्बत करने वाले राई साहब का एक वाक्य जी कि वो इतने एवर न्यू स्टूडियो के गेट के साइड से एक शाह जी आ गए उन्होंने को पान की एक छोटी जी दुकान बना ली और दूसरे को तो लोग पान पून लैन लेकिन उन्होंने को पान जोड़ा वो कोई ना लवे दुकान उन्होंने तो वो पता लगा राई साहब न तो चले गए जाके तो उन्होंने कहते जी पान मनो भी या पंजी पान ला दौ तो उन्हें पान ला देते तो एक रुपये का उस दौर च कहें जी पान हों भी पंजी पान लैके तो वो पैक करवा के जान लगे पंजा का नोट जरा उन्होंने देता बारह ने पंजा का नोट देता हूँ उन्होंने आवाज दी कहें जनाब एक मिनट थोड़ा बकाया तो तुम बकाया ले लवो क्योंकि थोड़े बकाया पैसे बचते हैं। उन्हें कहा जी किन्ने का पान जी उन्हें कहा जी एने का उन्हें कहने नहीं नहीं भाई जान मैं पान लैना 2 रुपए का तो जे थोड़ा मूड हो गए करे तो असं तो प्यार ना आगे जे दे दौ करो तो ठीक है तो भाज नहीं दोगे तो असं किधर होर ले लेंगे वो सुबहान अल्लाह क्यों वेखन लग पे ने तो उन्होंने कहा जी वो समझ गए ने ये मेरी ये दिल आजारी भी नहीं करनी चाहता और बंदा ये भी नहीं चाहता कि मैं तेरी हेल्प कर रहा हाँ वो मैं पाना नहीं पैसा देना चाहता लेकिन पैसे मैं देना चाहता अच्छाइयां बहुतियां ने किधरे किधरे आने तानू लगेगा कि हल्का जिहा ते अमानुल्लाह साहब मैनू कहिंदे हुंदे सन दोनों वटे तू मेरे नाल रहना वे कोई गल ते करिया कर फिर मैं आपे ही गल्लां दसनियां कि तू मैं है कहीं मैं तेन है कह जनाब आपे ही गल्लां दस के नाल आप ही पैसे दे के प्रोड्यूसर ने दिते ने प्रोड्यूसर के सामने एवं ही राह जाते बंदे का भी हाथ चुक देना बिच मेरा भी चुक देना कि जी तू गल ये तो मैं गल नहीं कर देंगे तो ये तो मेरे अगे ऐसे ठा ठा जवाब दिता तो प्रोड्यूसर ने निगाह पवा देनी तो हूँ ये कहते मैं एक भी वेला देखे मैं बंदे का ना नहीं लाऊंगा उन्हें कहा जी अमानुल्लाह साहब स्टेज मैं हूँ अल्फाज नहीं कहना चाहता कहता अमानुल्लाह तुम स्टेज पर क्यों नहीं आन दिता मैं तो तहू कह रहा ना तुम समझो उन्हें अगू मजीद कई ने यह भी कह के भी अमानुल्लाह साहब साड़ी एंट्री च ना आने इन्हें बाप बरकत लोग राय साहब गए हैं तो फिल्म इंडस्ट्री बंद हो गई है अमानुल्लाह साहब गए हैं तो थिएटर बंद हो गए भला चाहन आए कोई नहीं भला जाओ इत मैं कहना नहीं चाहता कई एडा एडा मतलब अल्लाह ने मेरे हथों भला कराया वो देखना पसंद नहीं करते फोन करना तो दूर की गल देखना पसंद नहीं करते तो लिहाजा मैं इतने गल और जवेद हसन साहब की गल बड़ी अच्छी लगी है वो एवं ना मुंडे पानी पी के ना चंद मिनरल वाटर दी बोतल बड़िया ने ते टिक्की जी गल करके ते सामने जवेद हसन साहब बैठे ने अल्लाह तुम नसीब करे तो एक ने फिक्की जी गल की तो उन्होंने ना कुलियां उन्होंने कीतियाँ जवेद हसन साहब से तो जवेद हसन साहब ने बुरा नहीं मनाया उन्होंने कहा कोई गल नहीं पुत्र असं करते रहे हैं तो असं भुगत रहे हैं
असी 40% किया 50% किया 100% लिए रेडी रहना अल्लाह अल्लाह कदी नहीं हो कि घा बीज के तुसी सेब कट लो घा बीजे तो घा ही कटना पैना आज जो कुछ बोएगा काटेगा कल जे आ जाए किसी को गल की समझ तो सौ भी समझला नहीं तो जो हो रहा वो तो फिर हो ही रहा है। मैं तो कई दफ्तर च गया वा मैं अपनी गल कर रहा कि मेरा ना अल्लाह ने जवेद कोडू बनाया तो जेडे भी छोटी हाइट के वो अल्लाह ने उन्होंने पहले होर ना तो बुलाते सन हम कोडू के ना तो बुलाते हैं तो अल्लाह ने मैं एडा मतलब करा के इन्ना ह्यूज मतलब मकाम विखा के सारे नु पता है। मैं जानना कई कई ऐसे पढ़ लिख के बड़े अफसर बन गए ने जेडे कहते होंगे सन कि जी आपको काम हो तो हमें बताएं तो यकीन करो उन्होंने कभी ये भी नहीं पूछे कि समझ गए हो ना जी जी मैं समझ गया यानी वो दे पैगाम ही भेजा कि यार साहब मीटिंग पे हैं तो मीटिंग इतने रह जानी है जेदे हथ च खैर है वह कर जाओ तो जेदी जुबान च वो खैर कर जाओ तो जेदे जिसम च ताकत है वो खैर कर जाओ जे अल्लाह मेरे जहन च गल पाई है जेड़ी जवानी जेड़ा हुस्न जेड़ा पैसा जेड़ी ताकत जेड़ी शोहरत दीन तो लग गई वो कामयाब जेड़ी तो हट के लगी हो नाकाम अल्लाह बेशक बेशक लिहाजा खैर वाला काम करो तो ताड़े भी होंगे रहने कौड़ू साहब थोड़ी खुश नसीबी है कि तुम आँदे ही अच्छे लोगों च टाइम गुजारिया और असल थोड़ी तरबीयत अच्छे लोगों च हुई अज के जोड़े लोग ने मैं अगले दिन मंदिर साहब एक वीडियो देख रहा सर तो वे अमान साहब जोड़ा उन्होंने थोड़ा जो दौर आया ना जी डावाडोल का उस दौर के तो मैं वेख रहा सजक देखो दो तीन माहौलीए हम फिर असं तो समझने ना तो पूछ रहे हैं कि म्यूका मैणा लै मतलब वो गल जी ये नहीं कर दे रहे खैर दिल में तकलीफ हुई लेकिन अमल यही है कि जो बीजना सो वटना ठीक है जी तो इंसान को करनी चाहिए कोई वक्त उत्ते भी आना है। तो कौड़ू साहब तुम माशाल्लाह स्टार तो सुल्तान रही साहब जैसे लोग और नन्ना साहब अली जाज मतलब बड़े बड़े वे लोग और मानुल्ला साहब की सोबत टाइम गुजारिया और अंदर चीज़ों बोल रही ने फिर तबलीग वाल जरा इस्लाम वाल जरा रुजू हो गया ये किस तरह बनया किस तरह गए जी काफ़ी देर पहले की गल है उस्ताद जवाहर वसीम साहब अब्बा जान उन्होंने नाल अनवर अली साहब है मंजर अमीन साहब मेरा मंजर अमीन साहब बाद च आए सर ठीक है तो औरंगजेब लवारी साहब नईम भट्ट साहब अल्लाह ने मैनू मौका दिता असी मौलाना तारक जमील साहब जी वो मतलब नुसरत वास्ते गए सर तो साढ़े दिल से कि यार वो एडे वे मौलाना तो असी ड्रामे वाले फिल्म वाले वो ना हो किधरे साढ़े नाल मिलन तो इनकार ही कर दें लेकिन वो उन्होंने अगों साडा इस्तकबाल किया आके कि जी वेलकम बिस्मिल्लाह जी आया नू अरे की औरंगजेब लवारी साहब कहते आप हमें मुसलमान समझ रहे हैं लोग तो हमें इंसान भी नहीं समझते अल्लाह अल्लाह तो मैं इस करके जेड़े भी उजागर लोग ने इन्हें अगे अपील करना वा कि यार फनकारा नू सची मुची फनकार समझो ये कोई किरिया है टिशू नहीं कि जिन्हें देखना भी नहीं कि ये बगैर गुजारा भी नहीं ये बगैर गुजारा भी नहीं असल बात है वे हादसा खेड़ा ये हर पासे ये मतलब फनकार दिए रौनक ने हाँ जी मतलब ओ की नाले हादसा खेड़ा करो दिल आजारी ना करो ते फनकार मतलब जिस हालत च गए ने कई मैं उन्होंने दान ही लाँगा लेकिन इस तरह नहीं होना चाहिए क्योंकि मतलब साढ़ा टीवी तो नहीं टैक्स चला जाता मैं जेडे तुम ड्रामे की गल की ख्वाहिश वह मैं एक 10 रुपए का चेक मिले है उन्होंने कहा कि बाकी सारा टैक्स कटे गए हैं पूरे ड्रामे का 10 रुपए का चेक मिले जी
वैसे 900 1100 1200 हद 1250 ये ना मिलता होंगे सी। तो एक दिन मैंने 10 रुपये का चेक मिले कि जी बाकी सारा टैक्स कि जो साढ़े सा जोड़े टैलीविजन वाले ड्रामे ने थिएटर वाले ड्रामे ने अपना फिल्म ने इन से तुम टैक्स लेंगे हो साढ़ा ही अगर सानू दे लगे तो सानू 36 बारी मतलब गल सुनाओगे तो सानू अच्छा नहीं लगेगा। ये इस तरह है कि ताड़ा ठगा बने तू कुटन लग पे जुलम है इस तरह नहीं होना चाहिए। खैर वाली गल करो खैर वाली सुनो तो जो कहें कि जी मैं इंजा वो मैं सैकिंड या सौवा हिस्सा भी अल्लाह को लुके दिखा देन मैं इन्हें सारी जिंदगी जुत्तियां पालिश कराऊंगा। सिर्फ एक एक सैकिंड का सौवा हिस्सा अल्लाह को लुके दिखा दे नहीं लुक सकता बंदा। तो जो एडी वड्डी मतलब नाकामी साढ़े नाल है सिर्फ हुकूमत अल्लाह दी है ओदी सी ओदी है ओदी रहेगी। नबूवत सरकारे रहमत अली आलमी सल्ला सलम दी सी है उन्हें दी रहेगी। बाकी साड़ियाँ ड्यूटियाँ लग दी हैं ड्यूटियाँ लग दी हैं वो जोड़ा ड्यूटी जी कामयाब है वो कामयाब है। सुभान अल्लाह डॉक्टर किन्ने बड़े ने बेशुमार ठीक है ना। तो कई लोग कहते यार अल्लाह इनू भी शफा सलामत रखे क्योंकि नाल मैं एक ऐसे डॉक्टर साहब ने देखे उन्होंने मैं चेक किया मैं बीमार हो गया काफ़ी तो उन्होंने कुछ लिखे भी है उन्होंने फिर एक बड़ा अच्छा जवाब दिता उन्होंने कह अपने आप को अपने वाल इशारा करके कहते ने एक मिट्टी ने दूजी मिट्टी को चेक किया तो मैं जो लिख रहा ये भी मिट्टी है तो जो ए मैं उन्होंने मैं वो ना फाइल खोल के दिखाई उसे आयत लिखी सन कहते ने ये असल है ये असल है। सुभान अल्लाह ये भी मिट्टी वो भी मिट्टी वो असल है। हाँ क्या कहने क्या कहने तो लिहाजा मिट्टी के हो जाने तो 10-15 दिन पहले मेरे अम्मी जी का इंतकाल हो गया बाकी की रह गए नेमुल बदल तो चौकीदार का नहीं आ सकता वो तो तुम्हें अच्छा आएगा या बुरा आएगा वो तो नहीं आएगा। तो लिहाजा अल्लाह पाक सानू खैर वाली गल कहने वाला बनावे तो खैर वाली गल सुनने वाला बनावे। बस वो जेडे मतलब बैठते शुरू हो जाए बड़ा तेरा एंड का मूह है बड़ा तेरा तो तू की मैं ਇਹੋ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅਵਾਇਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਮੌਲਾਨਾ ਤਾਰਕ ਜਮੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਲਗਾਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਆਪ ਹਮੇ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਜੀ ਅੱਗੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕਿ ਆਪ ਹਮੇ ਇਨਸਾਨ ਔਰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝਦੇ ਹੈ ਲੋਕ ਤਾਂ ਹਮੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਇਨਸਾਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਹਮੇ ਬਸ ਐਸੇ ਅਸਾਨੇ ਜੁਣੇ ਵਾਲਾ ਸਮਝਦੇ ਹੈ बड़ा काम किया सानू ए नहीं पता कि तुसी कमाया की है ना तुहाडा जिहड़ा पाकिस्तान दे जिहड़े चंद एक बिग सुपरस्टार ने जिस तरह के तुसी कहा भी अज हुण अज मेरे तो बाद जिन्हें लोग छोटे कद ने कोडू के नाम पुकारे जाते हैं लेकिन उसका मौजूद या उसकी वजह अगर कह लीए तो जवेद कोडू साहब ने ये कोई शक नहीं जी अल्लाह की रहमत अल्लाह की रहमत शामिल है लेकिन अल्लाह ताला ने अपना एक नायब भेजे जिहदा नाम सी जवेद कोडू। शुक्र अल्लाह का मैं अल्लाह का शुक्र अदा करना कि अल्लाह ने
शायद मेरे थ्रू ये ना हिट कराना थी। मैं जदों हाजी अलबेला साहब का शिगिर्द है तो उन्होंने मैनू कहा अज तो बाद तेरा नाम कोडू है, तो मेरे दिन से कहे कि फिल्म तू एंड बोलना है, थिएटर से एंड बोलना है, टीवी इस तरह बोलना है, मेरे दिन चाहिए। तो मैंने कहने लै भाई अज तो बाद तू नमाज नहीं छड़नी, तो सच नहीं छड़ना, तो तू मेरा शिगिर। तेरा ना कोडू, मैं कह जी एक ही दवाइया वर्ग ना रख ला। वो कहते पुत्री खैर ये जी बरकत पाएगी। वाह भाई वाह। यानी कि तुम कह रहे हो कि पाकिस्तान का एक कॉमेडियन एक अदाकार जिन्हों का नाम हाजी अलबेला साहब से उन्होंने जो तो शिगिर्द किया तो उन्होंने दो तलकीन थानू तो कीतियाँ कि अज तो बाद नमाज नहीं छड़नी और झूठ नहीं बोलना, सच का पला फड़ के रखना, यही एक एक्टर कह रहे हैं। ठीक हो गया। अच्छा कौडू साहब जिंदगी जिन्ना तुम काम किया कि अल्लाह ने करवाया, अल्लाह ने करवाया। देखो काम अल्लाह की मर्जी के बाद तो सी पौड़ियाँ भी इसमें चढ़नी सानू तो अल्लाह ने भेजा ना, ड्यूटी सी साड़ी भी तुहाडी गल असीं इतफाक कर रहे हैं। वो तो अल्लाह हर थान से जटला ही नहीं ना सकते, उसकी कुदरत तो जरे जरे च नज़र आती, कदम कदम से नज़र आती है। ठीक है जी। तुसीं जिन्ना काम किया कि उहदे मतबादल तुहानू उन्ना ही तुहाडी मेहनत का सिला मिले है? सिला ये जगह नहीं है, मैं सिर्फ दुनियावी हवाले ना गल करांगा, शुक्र किराए भीक मंगा फिर तुम चंगा लगना, यानी उतना तुम अच्छा नहीं लगता। तो उस यानी पूरी दुनिया से डिसेबल की इन्नी इज्जत की जाती है, एड्डी ऑनर की जाती है, वो बड़ी मत देखभाल की जाती है। पाकिस्तान तो डेढ़ वर्ष मैं 24,000 का तो पहले गैस का बिल आ गया। 24,000 गैस का बिल? जी। मतलब मेहरबानी वाला मामला मेरे ते ही क्यों हो रहा है? हुकूमती कोटे चो इतना कुछ फ्री है ना, जिते भी चले जाओ तो इतने वो डाइवर्स हर किस्म के टैक्स ला के आ रहे हैं, हर किस्म के टैक्स ला के आ रहे हैं। मतलब प्रॉपर्टी टैक्स भी लग रहा है? नहीं वो हाले नहीं लगा क्योंकि वो घर नहीं, इंशाल्लाह वो भी लगेगा। खैर अगे अच्छी घट दिते ने। देखो मैं कह रहे हैं कि तुहानू तवक्कुल रखनी चाहिए है, असी नहीं मैनू इस तरह का देखो ना, मैं यही कह रहे हैं कि खैर के अल्फाज नहीं आते साढ़े वालों। मैं दसना तुहानू, मैं एक गल करना गल है वे देखो ना तुसी, मैं अर्ज करना तुहाडे नाल जिन्नियां गल्लां तुसी कीतियां ने माशाल्लाह जिड्डा तुहाडा पाकिस्तान च नाम है, तुहानू तो कहना ही नहीं चाहिए सी, चाहिए तो यह सी कि जिनी तुसीं पाकिस्तान का नाम रोशन किया, तुसीं पाकिस्तान के एक छोटे कादे हो के तुसीं पाकिस्तान के सुपरस्टार बने, तुहानू कहने की जरूरत ही ना आती, नुमाइंदे जिहड़े ने उह तुहाडे दरवाजे ते पहुँच जाते भाई, ये घूमती ना पहुँचते अवामी पहुँच जाते, अवामी ना पहुँचते सियासी पहुँच जाते। कोई बंदा अगर ऐसा आया तुहाडे कोल ते फिर सानू तुसीं दसो, असीं तां तुहानू पुछना चाह रहे हैं, साडे कोल जिन्ने लफाज ने खैर दे ने अलहमदुल्ला, लेकिन असं तो पूछना चाह रहे हैं क्योंकि असी तो डिस्कशन कमरे च बैठ नहीं कर रहे, ऑन कैमरा कर रहे हैं, इस तो असं चाहते हैं कि हर जी गल है वो लोगों तक पहुँचे। चलो किसी कोई तो खैर वाला समझ जाएगा, सारे खैर वाले, लेकिन वो हजरत अली करम अल्लाह वजह
कॉल मुझे याद आता है जिसका मफहूम है, अभी तुम सोए हो जब मरोगे आँख खुलेगी, अभी तुम सोए हो जब मरोगे तब आँख खुलेगी। तो लिहाजा इंसान सो रहा है, गाफल है। सानू थोड़ी जी ओकी नाले होशमंदी च रहना चाहिए कि यार असी भी इस पासे आना है। देख लो मैं पहले आया सर, फिर कि शक्ल बदली मेरिया, तो जे वो नहीं रहे तो यह किस तरह रहेगा जी? है ही फानी है ना, तो सानू ये नहीं समझ आती। अच्छी कहने के बस मैं वो एक बुजुर्गों को एक बंदा चला गया ना नहीं कहता जी ये मैं की चीज़ है, वो कहते तू कल आई तेन मैं दसागा। वो कल चला गया तो मजमा लगा सी, तो बुजुर्ग कहते जी वो कि साहब सन जिन्होंने कल पूछा सी कि मैं की है, तो कहना जी मैं, तो कहते ये हुई है। अल्लाह रहमत आला मामला करे, गिले शिकवे तो हर एक दिन होंगे ने, मेरे भी नहीं, मैं चूं मैं इंसान हाँ, मेरे नाल भी वही जरूरत ने जड़ियाँ आम बंदे नाल। आम बंदे नाल ते अजकल तुसी काम शाम तो नहीं कर रहे, ते किस तरह वक्त गुजर रहे? अल्लाह पाक की मेहरबानी कर रहे, वो तो जड़ा पत्थर च कीड़ा है उन्हें तो भी कर्म कर रहे हैं, लेकिन तुहाडा निजाम किस तरह चल रहा है वो सानू दसो। मैं कहना किसी होर दे गल काम आ जाएगी। शुक्र है अल्लाह का, जो स्टेज पर भी कहते रहे हो सानू कोई नवी गल सुनाओ। नहीं नहीं कहूंगा शुक्र अल्लाह का, नहीं वो तो सानू नजर आ रहा है अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तुम देखो पिछे मेरी मुलाकात ना हो सकी, मैं आना भी सी लेकिन तुम बीमार सो बहुत ज्यादा, अल्लाह तला ने फिर तुम तंदुरुस्ती भी दी, असी स्ट्रेचर से बैठते लेटिया भी देखे, असी अज बैठे भी देख रहे हैं, सानू खुशी हो रही है इनशाला जिस तरह तुम कह रहे सो, और वो भी दिन होएगा जो तुम चलन फिरन दौड़न लग पवोगे फिर, क्यों मेरे मालिक के खजाने कोई कमी नहीं है। अगर ते सेहत खैर व आफियत आली है तो अल्लाह दे दे, तो जे शर आली है तो ना दे, ना हो इधरों सेहत मिले तो इधरों मैं गाँव गए मैं वेख लैंदा, यहोजी सेहत नहीं चाहिए। अल्लाह पाक तमाम बीमारा तमाम परेशाना है अल्लाह नू, जिन्हें भी कर्जदार ने मर्ज वाले ने जिन्हें सबनों इस मौजी मर्ज तो निजात दिलाए, तो सानू सब खुशियां अता करे और गैब के खजाने जो मदद करे और लहरें बहरें कर दे और बड़े गम देख लेने हूँ। अल्लाह पाक सब खुशियां विखावे और इन खुशियां विखावे जिन्हें कभी किसी ने सोचियां भी ना हो। ठीक है, तो तुहानू बतौर एक्टर बन के जिन्ना तुसी नाम पाया वो खुशी है या जो तुहाडे नाल अज बिहेव है? शुक्र अल्लाह दा कुछ मेरी गलती कुटाई अगे आंदी होगी। अच्छा अल्लाह जिहड़ा ने जो 70 मावां जिन्ना प्यार करता है, बेशक तुसी जरा थोड़ा जिहा थले आओ, मैं तुहाडे नाल गल कर रहा, साड़ी जिहड़ी क्यादत है, साड़ियां जिहड़ियां गवर्नमेंटा ने, साड़ियां जिहड़ियां इत्थे साडे हुक्मरान साडे ते मसल्लत ने, मैं उन्हां दी गल कर, तुहाडे नाल की तामन होया, की मुहब्बत होई, नहीं हो रही, इह जरा साडे नाज़रीन तक इह बस मेरा सवाल है, इस तों बाद तुसी दुआ फरमाणी है ते फिर असीं वाइंड अप करना है। बस चुप ही रहो, सब का भला तो सब दी खैर, बस। लेकिन मैं एक गल कहना जी जिंदगी, मैं हूँ भी गल कहूँगा कि सची मुची फनकारा इज्जत दो, तस्वीर लुवा लें, मतलब दावत एक दूजे के नाल हो जाए ने, मतलब तो यार जो वेला आता तो उदों इन्हें पर कर दें, ऐसा नहीं होना चाहिए, सारे फनकारों का भला होना चाहिए। ये फनकार मजदूर टैक्नीशियन जेड़े भी ने इंजीनियर डॉक्टर सारे एक ही चेन ने, तो लिहाजा मैं तो यही कहूँगा कि खैर वाला मामला होना चाहिए। जी नादरी, मैं ये कहना चाहवागा कि पाकिस्तान के जिन्हें भी आर्टिस्ट ने जिन्हें भी लोग काम करते हैं
एक्चुअल तो यह रहे कि पाकिस्तान के जो लोग काम कर रहे हैं शोबिज के अगर वो 1000 बंदा काम कर रहा है तो वे ज़्यादा तो ज़्यादा जोड़ा है वो मेरा ख्याल है कि अगर 100 बंदा खुशहाल है तो खुशहाली ने लेकिन बकाया जो लोग ने थले जो नज़र नहीं आ रहे है कैमरे से असं थानू दो लोग नज़र आ रहे होवे एक मैं एक मेरे मोहतरम जुवेद कोडू साहब लेकिन यह जो साढ़े पिछे एक बंद लाइन लगी हुई है तो नज़र नहीं आ रही लेकिन इन्ह बंद वीडियो थोड़े तो तक पहुँचाने तक करदार है इन्ह बंद पूरी मेहनत है असी बैठे हुए खड़े हुए हैं वो कम कर रहे हैं टेक्नीशियन ने इस तरह ही असी एक स्टेज ड्रामा करने स्टेज ड्रामे 3-4 करैक्टर मेन होंगे ने लेकिन जो सपोर्टिंग रोल होंगे ने उन्होंने भी हक है लेकिन उन्होंने वो उन्नी अर्निंग नहीं हो रही होंगी उन्ने पैसे नहीं मिल रहे होंगे उन्होंने वास्ते बड़िया मुश्किलात ने फिर साढ़ा जोड़ा आर्टिस्ट है वो इस्तेमाल हो जाता है सब तो ज़्यादा पाकिस्तान एक्टर इस्तेमाल किया जाता है जदों की उसकी शोहरत होंगी वह रूज हों हर बंदा उसकी दावत कर रहा हों हर बंदा उसका फोटो खिंचानी चाहता है फिर वक्त के नाल नाल जो जो वक्त चलता है इग्नोर कर दिया जाता लेकिन हुकूमत कभी भी कामयाब नहीं होंगे जिहड़ियां अपने मोशनां नूं अपने हीरोज़ नूं भुल जांदियां ने जुवेद कोडू साहब बड़े ही मासूम बड़े ही प्यारे जे एक्टर ये मेरा हल छोटे हो गए तो उदों भी मासूम ही सन तो वड्डे हो गए ने तो फिर भी ये मासूम ही ने इस तो वड्डे हुए ने लेकिन चेहरा जिहड़ा इन्हां दा मासूमियत वाला तो बाकी भी जिन्ने साढ़े इत्थे लोग ने पाकिस्तान के साढ़े जिहड़े हुक्मरान ने मैं उन्होंने यह कहांगा कि बस इत्थे राती जवाद वसीम साहब कोल मैं बैठा सां उन्होंने गुरबत काफ़ी घंटे मेरे गुजरे उन्होंने घर तो साढ़े इतने चूंकि वो जी गल उन्हें कही उन्हें मैं इतफाक किया कि इतने सिर्फ एको गल है कि बई लोग भुखे मर रहे हैं वो बई कह तो सारे रहे ने लेकिन भुख मिटा कौन रहे हैं उन्होंने लोगों का ख्याल कौन कर रहा है हर बंदा मजदूर के नाँ से नारा लाता आके हर बंदा गरीब के नाँ से नारा लाता महंगाई के नाँ से नारा लाता मैं कम से कम अपनी होश के जिन्या पार्टियां देखिया ने उन्होंने मैं एक दूजे के किचड़ छालद तो देखे है लेकिन इंसानों के हकूक की गल जी अंबली तौर पर सामने आदि ने मैं देखे लिहाजा पाकिस्तान के हर आम शहरी की तरह तो पाकिस्तान के जोड़े आर्टिस्ट ने यह भी उस चक्की पिसते हैं पाकिस्तान गौरमेंट जी उन्होंने चाहिए कोई ऐसी पॉलिसी बनाए कोई ऐसा सिलसिला बनाए ये आर्टिस्ट भी इस मुल्क की कम्यूनिटी ने यद हिस्सा ने इन का हक इन्हों दिता जाए जोड़ा हक होना चाहिए और ये हमेशा अपने मुल्क के नाम से मर मिटन तैयार ने पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं कभी पाकिस्तान की धरती में छड़ नहीं सकते ये लोग ने जो 64 वारी बाहर मुल्कों फिर आते हैं लेकिन फिर वापस पाकिस्तान आ जाते ग्रीन कार्ड नहीं लेंदे उतर स्टे नहीं करते उतर रुकना नहीं चाहते उतर रहना नहीं चाहते इन्हों अपनी मिट्टी अपनी धरती अच्छी है इन्हों का कहना यह है कि सानू इस मिट्टी की अगर खुशबू ना आई तो मर जावे तो सिर्फ असी जिंदा वहां तो इस मिट्टी की खुशबू न इस मिट्टी से इन्नी मिठी और इन्नी प्यारी खुशबू आती है और दफन भी जोड़ा होना चाहिए वो अपनी धरती से होना चाहिए क्योंकि यदा फायदा जोड़ा वो जोड़े समझ वाले लोग ने उ समझ सकते हैं तो मेरे नाल सन जुवेद कोडू साहब अज का ये वीडियो कैसा सी कुछ बड़िया चुभदी हुई बड़िया तकलीफ दे भी बातें सन कुछ खैर दिया भी बातें सन कुछ अंदर दिया भी गल्लां सन जिहड़ियां कोडू साहब ने साडे नाल कीतियां तो यो कोडू साहब ने जिन्होंने वेख के हर बंदा खुश होंदा सी जिन्होंने लखां करोड़ां चेहरिया मुस्कराहटां बखेरियां जिन्होंने बहुत सारे लोगों को रौनकां दित्तियां हासे दिते उन्हां दी टेंशन दे विच उन्होंने एक खूबसूरत कामेडी दिती अज अगर जुवेद कोडू साहब उदास रहन इन्हां दे चेहरे दी उदासी तो नज़र आ रही होगी अगर वो हसना नहीं चाहन तो समाइल जिहड़ा वो रियलिटी नहीं है कोडू साहब अदास रहन तो फिर पाकिस्तान च किन्ने करोड़ आवाम है तो कोई तो ऐसा होना चाहिए कि जरा कहे कि यार इस चेहरे पर भी मुस्कुराहट आनी चाहिए है सारे चेहरे पहले तो पहला तो कर लीए सारे सोचा सारे गल करके मैं थोड़े तक आया मैं तो मजदूरों की भी कर रहा मैं तो कोडू साहब सारे की कर रहा गल की समझ आई है इतने बस रौला कोडू साहब जी बंदा ना सिर्फ बैठा बैठा चखन च ना
ਕੀ ਪਰਾਠੇ ਖਾਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਖਾਰ ਹੋ ਗਏ। ਔਰ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਵਰਗਾ ਮੌਤ ਫਿਰ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਰੁਕੀ ਲੜਾਈ ਦੁਬਾਰਾ ਕਰਾ ਦਿੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਪੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਕਹਿ ਲੈਣਾ ਵੈਸੇ ਨੇ ਨਿਕਾਲਾ ਤੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੰਦੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਨੇ ਯਾਰ ਪਾਓ ਜੱਪੀ ਕਿੱਥੋਂ ਪੈਣੀ ਜੱਪੀ ਸਹੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਵੇਖੀ ਨਹੀਂ जी साढ़े बहुत प्यारे ने मैनू यह जो लम्हा जी है जो आखिरी लम्हे ने मैं इन्नी कु खुशी है कोडू साहब के चेहरे पर समाइल आया मेरे वास्ते किसी अवार्ड तो किसी एजाज तो घट नहीं अगर एक लम्हे की भी खुशी साढ़े आने कोडू साहब को मिली है तो मैं समझना मेरे आन का मकसद पूरा हो गया। तो कोडू साहब मैं अल्लाह तला तुम खुश रखे थोड़े वास्ते आसानियाँ सेहत तंदुरुस्ती साड़िया दुआवां थोड़े वास्ते पूरे पाकिस्तान वास्ते कायनात जिन्हें इंसान ने उन्होंने वास्ते ठीक है जी और तुसी दुआ फरमाओगे इहदे नाल असी इख्तिताम करांगे जी। اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد آمين या अल्लाह पाक हम सब की दुनिया भी बेहतरीन कर दे आखरत भी बेहतरीन कर दे या अल्लाह पाक शर्मिंदा लोगों में ना खड़ा करना ना दुनिया में ना आखरत में या अल्लाह पाक हमें सरकार रहमतुल्लिल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुबारक हाथों से हौज़े कौसर नसीब करना तो चले गए उन्हें बख्श दे जो हैं उन्हें माफ़ कर दे जो होंगे उन्हें भी माफ़ कर दे और सबको खुश कर दे या अल्लाह पाक किसी को किसी की तरफ मतलब केले का देखना ना नजर आए खुशी का देखना ना नजर आए अल्लाह पाक हम सब को खैर वाला बना दे आमीन सुम्मा आमीन। जी नाज़रीन कोडू साहब ने दुआ फरमाई और अल्लाह ताला यकीनन नज़दीक होकर जरूर सुनेगा साडा ईमान है ये ही थोड़े को इजाजत चाहवांगे अज का वीडियो कैसा सी। अच्छा कोडू साहब कभी तुम मेरा इस तो पहले चैनल देखे है ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਨੈੱਟ ਲਵਾ ਕੇ ਦੇਣਾ ਅਤੇ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਹਫ਼ਤਾ ਲੈਣੇ ਜੀ ਅਤੇ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਾ ਫਜ਼ਲੇ ਖੁਦਾ ਜਨਾਬ ਐਨਕ ਤੁਹਾਡੀ ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਜੀ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਬੜੇ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਆਦਮੀ ਨੇ ਔਰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਕੇ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਅੱਜ ਦਾ ਵੀਡੀਓ ਕੈਸਾ ਸੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਲਾਈਕ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਜਾਵਾਂਗੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਕੇ ਦੱਸਣਾ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਜਨਾਬ ਆਪਣੇ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਨਾ ਅਗਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਤੇ ਕੋਡੂ ਸਾਹਿਬ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ ਹੋਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਣ ਦਾ ਸ਼ਰਫ ਹਾਸਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਿਲਵਾਉਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਚਲਦਿਆਂ ਚਲਦਿਆਂ ਪਿਆਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪਿਆਰਾ ਜਨਾਰਾ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦੇਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ। ਅਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਸੱਜਣੋ ਬੇਲੀਓ ਤੇ ਮਿੱਤਰੋ ਜਿਉਂਦੇ ਤੇ ਵਸਦੇ ਰਹੋ ਜਨਾਬ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਚੈਨਲ ABHD TV ਤੇ ਸਤ ਬਿਸਮਿਲ੍ਲਾ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਜਨਾਬ ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਪਸੰਦ ਆਏ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਲਾਈਕ ਕਰੋ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਤੇ ਜਨਾਬ ਸਾਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰੋ ABHD TV ਫੇਸਬੁੱਕ ABHD TV ਟਵਿੱਟਰ